यमुनानगर में अवैध रूप से माइनिंग का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। कस्बा बिलासपुर क्षेत्र में पिछले काफी समय से अवैध रूप से माइनिंग करने, सरकारी रिकॉर्ड में बिना किसी से रेत बजरी लेने और अवैध रूप से 2,04,000 मैट्रिक टन खनन का स्टॉक करने के आरोप में आरआर स्टोन क्रेशर और स्क्रीनिंग प्लॉट के मालिक सहित 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। खनन अधिकारी राजेश सांगवा ने बताया कि जब उन्होंने आरआर स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट में जाकर जांच की तो वहां 3 रजिस्टर मिले, जिसमें रेत बजरी पत्थर का सामान आने और उसे बेचने का सारा रिकॉर्ड दर्ज था। सांगवा ने बताया कि इस स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट पर 40 लोग अलग अलग समय में गाड़ी लेकर माल लाते और ले जाते थे, जिसका रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर नहीं था। पूरे जिले में 6 जगह के ऊपर अपने नाके लगाए हैं, जो माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है NGT, उनके भी दिशा निर्देश है इस संबंध में, और जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा SOP जारी की गई है उसमें भी साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि नाके पूरे जिले में जहाँ भी उसकी आवश्यकता है लगने चाहिए, ताकि अवैध खनिज परिवहन और अवैध खनन की पूर्णता रोकथाम हो सके। तो ऐसे हमने पूरे जिले में 6 जगह नाकेबंदी करके नाके लगाए हैं, जिससे अवैध खनन परिवहन में काफ़ी रुकावट आई है और अवैध खनन भी काफ़ी हद तक रुक चुका है। जब से हमने ये नाके लगाए हैं तब से जो हमारे विभाग के ठेकेदार थे, जो अपनी मासिक किस्त भरने में कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो उनको अवैध खनन के कारण जो नुकसान हो रहा था, जिसके चलते अपनी किस्तें नहीं भर पा रहे थे, करोड़ों की किस्तें बकाया थी, अब वही ठेकेदार पिछले 3 महीने से किस्तें निरंतर रूप से भर रहे हैं, पीछे का जो बकाया वो भी भर रहे हैं, कि पिछले 3 महीने में 29 करोड़ रुपये जो है सरकार में जमा करवाए जा चुके हैं। हमने जो 5 या 6 जगह नाकेबंदी करी है उससे जो अवैध खनन या अवैध खनिज परिवहन में लोग शामिल थे वो अब कहीं ना कहीं रंजीतपुर नगली साइड में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ से 1-2 रास्ते ऐसे हैं जहाँ से वो निकल करके इन नाकों से बच करके अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी नाका लगाने का जो प्रस्ताव था उपायुक्त महोदय ने उसको मंजूर किया है और वहाँ भी अब हम नाकेबंदी कर रहे हैं। जो मैं लगातार आपको बताना चाहूँगा कि इन 3 महीनों में राजस्व की तो बढ़ोतरी हुई हुई है, लेकिन इन 3 महीने के दौरान हमने 18 शिकायतें पुलिस विभाग को दी थी, संबंधित थानों में दी थी, और सभी विभाग 18 शिकायतों को प्राथमिकी में परिवर्तित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक स्पेशल टीम गठित की है, खासकर जो फेक ई रवाना के माध्यम से फेक बिलों का जो एक गिरोह सक्रिय था, जिसको पकड़ पाने में कुछ मुश्किलें आ रही थी, उसका भंडाफोड़ करते हुए 5-6 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है, और करीब 50 प्लांटों को जो इस फर्जी रवाना के माध्यम से खनिज को लेन देन कर रहे थे उन प्लांटों को बंद भी करवाया गया है। और इसमें अब जो भी आगे इस तरह के सम्मिलित पाए जाते रहेंगे, या अवैध खनन में जो भी व्यक्ति या स्टोन क्रेशर या स्क्रीनिंग का शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 महीनों में अलग अलग इलाकों में सरकार को राजस्व के मामले में नुकसान पहुंचाने, अवैध खनन सहित 18 मामलों की शिकायतें पुलिस को दर्ज करवाई गई है। वहीं थाना बिलासपुर के SHO जगदीप बिश्नोई ने बताया कि खनन अधिकारी की शिकायत पर आरआर स्टोन क्रेशर के खिलाफ सरकार को चूना लगाने पर मामला दर्ज करवाया गया है। आरआर स्टोन क्रेशर है, जिसका मालिक राहुल नेहरा सनखेड़ा और अनिल कुमार करनाल और इसके साथ अन्य 43 के खिलाफ दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है 431 अंडर सेक्शन 21 माइनिंग एक्ट 379 IPC, तफ्तीश जारी है। 21-1 में है को सरकार की बगैर अनुमति माल थाना परिवहन करना, और तीर वाना का भी है उनका सेल टैक्स चोरी, और सरकार को काफ़ी नुकसान पहुँचाया हमने, और आगे जो तफ्तीश करें उसमें पता लगे, क्योंकि 2 करोड़ से तफ्तीश जारी है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि यमुनानगर में अवैध खनन व नकली ई रवाना के माध्यम से सरकार को नुकसान पहुंचाने का ये कोई पहला मामला नहीं है।
इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुकी है जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। अब खनन अधिकारी ने ऐसे मामलों में सख्ती दिखाते हुए पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।